नमस्कार, आप देख रहे हैं एसकेपी लाइव न्यूज। जिला योजना समिति की बैठक में आज प्रभारी मंत्री डॉक्टर विजय लक्ष्मी साधु सम्मिलित हुई। वहीं इस बैठक में उनके साथ पर्यटन मंत्री सुरेंद्र सिंह बघेल भी उपस्थित थे। इसी के साथ जिले के सभी विधायक, जिला पंचायत अध्यक्ष, सदस्य, कलेक्टर दीपक सिंह व पुलिस अधीक्षक मौजूद रहे। प्रभारी मंत्री ने अधिकारियों के साथ विभागवार जानकारी ली एवं प्रेजेंटेशन देखे। देखे खबर एसकेपी लाइव न्यूज। अभी भी बहुत आवश्यकता है, इसलिए भक्तों को फिर तक क्यों जाओ का लाभ मिले। जनता द्वारा चुनी हुई जनता की सरकार है, समाज के हर वर्ग को इस सरकार की योजनाओं का लाभ मिले, ये हम लोग की प्राथमिकता है और उसी के अनुरूप काम कर रहे हैं और जिला योजना समिति में भी इसी अनुरूप निर्णय लिए गए। आज क्या निर्णय लिए गए हैं और क्या समस्याएं आई हैं आज मुख्यतः? दो तीन सब्जेक्ट थे, कृषि को लेके, बिजली को लेके, पानी को लेके कुछ इश्यूज थे और रोगी कल्याण समिति के माध्यम से कुछ इश्यूज थे, उन इश्यू को लेकर मैडम डॉक्टरों की कमी को लेकर काफी सवाल उठाए। बिल्कुल सही है, क्या योजना रहेगी? बिल्कुल सही आप बोल रहे हैं, डॉक्टरों की कमी तो है ही इस प्रदेश के अंदर और 15 सालों से बहुत दर्रा बिगड़ गया है, उस दर्रे को सुधारना है और हम सब मिलकर उस दर्रे को सुधारना है। कर्ज माफी को लेकर कुछ अड़चनें अभी भी आ रही है, जैसे जिला योजना मंडल की बैठक में भी विधायकों ने की है, क्या करेंगे उसके लिए? नहीं, अड़चने नहीं आ रही है, फॉर्म बाकायदा भराए जा रहे हैं और उनकी समीक्षा की, कितने फॉर्म आए ब्लॉक वाइज और उसके ऊपर कार्रवाई होगी, कोई इशू नहीं आया। पानी पेयजल की समस्या बहुत है, फ्लोराइड युक्त पानी इस जिले में है, उसके लिए क्या निर्णय लिए गए? इंस्ट्रक्शन हम लोगों ने दिए कि क्योंकि आने वाला समय पानी की समस्या से जूझने वाला है तो अभी से कार्य योजना बनाई दी जाए कि कौन से गांव समस्या मूलक है, कौन से गांव अति समस्या मूलक है, उन गाँव की लिस्ट बना के अभी से योजनाएं बनाई दी जाए ताकि भविष्य में पानी पीने की समस्या लोगों को न आ सके। मजरों टोलों में बिजली की समस्या का भी मामला आए थे, क्या है? आप से कह रहे हैं कि कुछ मजरों की आदिवासी बहुल इलाका है और मजरे टोले यहाँ पर बहुत ज्यादा है, समस्या वाकई है कि कुछ मजरों टोलों में जो विद्युतीकरण होना चाहिए प्रॉपरली नहीं हो पाया है, क्योंकि हमारी जो संस्कृति है आदिवासी संस्कृति, वो खेतों में घर बना के लोग रहते हैं और प्राथमिकता हमारी है कि हम उन तक पहुँच पाए बिजली की मात्रा। मैडम कर्ज माफी 10 दिन का था, आज 50 दिन हो गए और अभी तक केवल फॉर्म भरे जा रहे हैं। अपील कर रही है राष्ट्रपति, इसकी क्या कांग्रेस करेगी आगे? एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति और वो भी सर्वोच्च देश के शीर्ष पर बैठा हुआ व्यक्ति की बात करें तो मैं समझती हूँ कि उस पर मेरा कोई कमेंट देना ठीक नहीं है। जिनने कहा, जिनके बारे में कहा, अगर उनसे अगर आप पूछेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। मैडम महेश्वर में निर्माण उत्सव को लेकर जो राजकुमार मेहू ने आरोप लगाया है कि जनप्रतिनिधियों का अवहेलना की गई, इस बारे में क्या कहेंगे? भाई वहाँ की जनप्रतिनिधि आज की तारीख में तो मैं है, इसकी अवहेलना हुई आप ये बताइए। ये तो वो खुद झांक के देखे कि उन्होंने भविष्य में क्या किया था, क्या नहीं किया। उन्होंने ये भी बोला निर्माण उत्सव नहीं रहता हुआ मैडम उत्सव बन के रह गया। अब देखिए ये तो विपक्ष में बैठे हुए हैं, वो खुद कुछ कर नहीं पाए। उन्होंने संस्कृति बात की थी बलिया में कि वह संस्कृति जो निर्माण उत्सव की एक परंपरा हमने जो शुरू की 94-95 में, उसको इन्होंने ला के ऐसे गर्त में रखा और संस्कृति विभाग के कर्मचारियों को पिछले सालों में खूब मार पिटाइयाँ की, तो वो उनके संस्कार है और ये मेरे संस्कार है कि वापस उसको भव्यता देखते हुए फिर से आज शुरुआत करें। ठीक है, थैंक यू मैडम। मैं रही हूँ।